दुर्ग जिले के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकानों पर सोमवार की सुबह दबिश दी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महादेव ऐप भारतीय जनता पार्टी का धन उगाही का एक साधन है और ईडी की कार्रवाई एक नौटंकी मात्र है। दुबई के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है। मोदी सरकार यदि चाहे तो कुछ ही समय में महादेव ऐप के सरगना को भारत ला सकती है, लेकिन भाजपा ही महादेव ऐप के अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। देखिए, महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कार्रवाई की नौटंकी कर रही है। महादेव ऐप यदि देश में चल रहा है तो उसके पीछे मोदी सरकार का संरक्षण है। केंद्र सरकार चाहे तो एक मिनट में इस ऑनलाइन सट्टे को बंद करवा सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो प्रत्यार्पण की संधि हमारे साथ दुबई के साथ महादेव ऐप के सरगना को भारत ला सकती है। लगातार उसको संरक्षण दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जब कार्रवाई करने जाती है तो योगी सरकार छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर कार्रवाई करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता जो राजभवन में बैठे हुए हैं, उनका महादेव ऐप के सरगना के साथ फोटो आता है। तो महादेव ऐप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के धन उगाही का एक साधन है। ईडी की कार्रवाई सिर्फ नौटंकी मात्र है।